In this video, we will discuss current affairs, past paper 2020. So, we will discuss first question, what impact global climate change will have on the water resources of Pakistan and how will it affect inter-provincial harmony? So, global climate change is likely to have a significant impact on Pakistan water resources, which are already under stress. As temperature rises, the glaciers in the northern regions of Pakistan are melting faster. This will initially cause an increase in river flows, leading to floods. However, over time, as glaciers continue to shrink, the water supply from these glaciers will reduce, causing a long-term decline in river flows. So, the aalmi mausmiyati tabdili hain, Pakistan ke andar jo paani ke wasail hain, uske upar kya asraat hain. So, jo iske Pakistan ke global climate change, Pakistan ke water resources ke upar bahut hi negative impact daal rahi hain. So, Pakistan ke jo water resources hai, वह पहले ही दबाव का शिकार हैं. तो जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ता जाता है, पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं उनके अंदर ग्लेशियर्स हैं, तो वो इस दर्जा हरारत की वजह से तेजी से पिघलते हैं. फिर इसके नतीजे में क्या होता है कि जो दरियाओं का मतलब के बहाव है वो उसमें इजाफा हो जाता है, फिर इससे सैलाब का खतरा बढ़ जाता है. लेकिन वक्त के साथ साथ ये जो ग्लेशियर्स हैं ये फिर मजीद सुखड़ जाएंगे, तो इनसे पानी की फरामी जो है वो कम हो जाएगी. तो इस तरह से जो जगह के दबाव है उनके जो उसके अंदर मतलब के तवील मुद्दत तक उनके अंदर कमी आ सकती है. देन चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न आल्सो एक्सपेक्टेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. सम एरियाज में एक्सपीरियंस मोर इंटेंस रेनफॉल लीडिंग टू फ्लैश फ्लड्स व्हाइल अदर्स मे सफर फ्रॉम प्रोलॉन्ग ड्राउट्स. दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर कैन होस्ट द एग्जिस्टिंग वाटर शॉर्टेजेस इन सम प्रोविंसेस. तो मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो बारिश का पैटर्न है उसमें भी तब्दीली आ सकती है. कुछ इलाकों के अंदर ज्यादा बारिशें हो सकती हैं और उसके नतीजे में क्या हो सकता है कि यानी कि फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं. तो बाकी जो इलाके हैं वो उनके अंदर एक खुश्क साली का उन्हें भी सामना करना पड़ सकता है और एक लंबी मुद्दत तक करना पड़ सकता है. तो पानी की जो यह जो है गैर मसावी तकसीम जो है ये पानी की तो सूबों के अंदर पहले से भी पानी की कमी है, तो इस तरह से ये तकसीम ज़्यादा बढ़ सकती है. इनके खासतौर पर पंजाब और सिंध के दरमियान जो है वो पाकिस्तान के इन दोनों सूबों के में पहले ही पानी के ऐसे मसाइल का सामना होता है दोनों सूबों को. सो रिडक्शन वाटर अवेलेबिलिटी एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज कैन इंक्रीज टेंशन बिटवीन प्रोविंसेस दैट रिलाई ऑन शेयर्ड रिवर सच एज द इंडस रिवर. Provinces like Sindh and Punjab, which depend heavily on these waters for agriculture, may face disputes over water sharing. This can harm inter-provincial harmony, as which province may feel that it is not getting its fair share of the water. तो पानी की जो दस्तियाबी है उसमें कमी और वसाइल की जो गैर मसावी तकसीम है सूबों के दरमियान तनाजात को बढ़ा सकती है. तो जो मुश्तरका रिवर्स हैं जैसा कि सिंध है, तो इसके ऊपर पाकिस्तान की जो ज़रात है वो काफ़ी इसार करती है. सिंध और पंजाब जो दोनों सूबे हैं जो ज़रात इनके अंदर है और ज़रात के लिए जो है वो ये पानी पर बहुत ज़्यादा इंसार करते हैं. तो पानी की तकसीम जो है वो इन दोनों पानी की तकसीम के ऊपर मतलब के ये जो तनाजात का शिकार हो सकते हैं. तो इससे जो मतलब दोनों सूबों के दरमियान एक किस्म का तावन है वो मुतासर हो सकता है. तो क्योंकि हर सूबा ये महसूस करते हैं कि उसे पानी का जो हिस्सा है वो मुनासिब नहीं मिल रहा. So global climate change will likely reduce the overall availability of the water in Pakistan and cause uneven distribution leading to potential conflicts between provinces and affect inter-provincial harmony. So aalmi mausmiyati tabdili hai to uske natije mein jo Pakistan ke andar pani ki majmui taur par jo dastiyabi hai to uske andar gair munsifana taqseem ke imkanat wazeh taur par maujood hain, jisse kya hota hai ke jo subu ke darmiyan tanazaat bhi paida ho sakte hain aur दोनों सूबों के दरमियान जो एक किस्म का कोऑर्डिनेशन है वो भी मुतासर हो सकता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज पाकिस्तान प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF? व्हाट आर द इम्प्लिकेशंस एंड व्हाट मेजर्स शुड पाकिस्तान टेक टू मूव आउट ऑफ दिस लिस्ट? पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में क्यों रखा गया, इसके क्या असरात हैं और पाकिस्तान को इस फहरिस्त से निकलने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? So why was the Pakistan placed on the grey list of the Financial Action Task Force? इसको पहले देखेंगे. So Pakistan was placed on the grey list by the Financial Action Task Force because it was found lacking in its efforts to combat money laundering and terrorist financing. So FATF is an international body that monitors countries to ensure that they are taking the necessary steps to prevent illegal financial activities.
So Pakistan's placement on the gray list in 2018 was due to concern that it was not doing enough to prevent funds from being used to support terrorism. So Pakistan ko FATF ki jo gray list hai usme is wajah se rakha gaya kyunki wo money laundering aur dehshatgardi ke jo hawale se jo mali muawnat hai uske khilaf apni koshishon mein nakam ho gaya tha. So FATF jo hai ek international idara hai jo muslim mumalik ki nigrani karta hai taki is baat ko yakini banaya ja sake ke jo gair kanuni in mumalik ke andar yani ke financial activities hoti rehti hai to usko rokne ke liye kuch ikdamat kiye ja sake. To ye idara is tarah ke ikdamat bhi kar raha hai. To Pakistan ko 2018 mein gray list mein isliye shamil kiya gaya tha kyunki FATF ko ye tashweesh thi ke Pakistan dehshatgardi ki jo mali muawnat ko rokne ke liye jo ikdamat kar raha hai wo kafi nahi hai. Implications kya hai iske gray list mein hone ke. So being on the gray list has several negative implications for Pakistan. Economic impact, it makes it harder for Pakistan to get loans and financial aid from international institutions like the International Monetary Fund and the World Bank. Foreign investment, the investors may hesitate to invest in Pakistan due to increased risk associated with being on the gray list, leading to slowdown in economic growth. Yani ke jo gray list ke Pakistan ke gray list mein hone ki wajah se Pakistan ke upar jo negative implications hui to uske andar economic impact aur foreign investment wazeh taur par hai. तो इसमें जो मौशी असरात हैं इनके ग्रे लिस्ट में होने से पाकिस्तान के जो बैन अक्वामी मालियाती इदारे हैं जैसा कि बैन अक्वामी मालियाती फंड है इनका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तो इससे जो पाकिस्तान कर्जे और माली इमदाद हासिल करता है तो इस लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा. और इसके अलावा जो फॉरन इन्वेस्टमेंट इसमें सरमाकारी में इनके पाकिस्तान के हमें जो सरमाकारी से करने से लोग घबराते हैं हिचकिचाते हैं क्योंकि जो ग्रे लिस्ट में होने से जो है वो खतरा बढ़ जाता है. तो इसके नतीजे में क्या होता है कि इक्तिसादी तरक्की की जो रफ्तार है वो सुस्त हो जाती है स्लो डाउन हो जाती है. तो इसके अलावा रेपुटेशन के ऊपर भी असर पड़ता है. इट हार्म्स पाकिस्तान ग्लोबल रेपुटेशन मेकिंग इट सीम लाइक द कंट्री इज नॉट फुली कमिटेड टू फाइटिंग फाइनेंशियल क्राइम. तो ग्रे लिस्ट में शामिल होने से पाकिस्तान की जो एक आलमी तौर पर रेपुटेशन है उसको नुकसान पहुंचता और ये तासर पैदा होता है कि जो मुल्क के अंदर जिनके माली जराइम हैं उनसे निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान जो है वो कमिटेड नहीं है पुरअज़्म नहीं है पाकिस्तान इन मसाइल के साथ नहीं निपटना चाहता. तो पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल गया था 2022 में आई थिंक 21 अक्टूबर 2022 जिन्हें के तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में. तो देन हम देखेंगे मयज़ पाकिस्तान शुड डेट टू मूव आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट. पाकिस्तान ने इस ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए क्या इकदाम किए या उस वक्त क्या करने चाहिए थे. तो स्ट्रेंथन लॉस पाकिस्तान नीड्स टू फर्दर स्ट्रेंथन इट्स लॉस रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंशियल टू मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. देन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन द कंट्री शुड इंश्योर दैट इट्स फाइनेंशियल रेगुलेशन आर इफेक्टिवली इन्फोर्स्ड विद स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटीज. तो सबसे पहले है अपने कवानीन को मजबूत करना कि पाकिस्तान जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मामलत से जो है मुतलक अपने कवानीन को मजीद मजबूत करने की पाकिस्तान को ज़रूरत है ताकि जो बैन अक्वामी इसके हवाले से मियार है इनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उसके ऊपर पूरा उतरा जा सके. इसके अलावा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है और उसको मौसर तौर पर नाफिज करना चाहिए जो मुल्क को मालियात अपने जो मालियाती जवाबित हैं उनको मौसर तरीके से नाफिज करने की ज़रूरत है. इसके अलावा जो मशकूक माली सरगर्मियाँ हैं उसकी भी सख्त पाकिस्तान को निगरानी करनी चाहिए. देन कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल बॉडीज पाकिस्तान शुड कंटिन्यू कोऑपरेटिंग विद FATF एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज टू शो इट्स कमिटमेंट टू कम्बेटिंग फाइनेंशियल क्राइम. तो बैन अक्वामी इदारों के साथ पाकिस्तान को कोऑर्डिनेट करना चाहिए पाकिस्तान के FATF और दूसरे जो बैन अक्वामी इदारे हैं उनके साथ तआवुन जारी रखना चाहिए ताकि जो माली जराइम हैं उनके खिलाफ अपनी कोशिशों में अपनी जदोजहद में पाकिस्तान अपने अज़्म का मुजाहरा कर सके कि पाकिस्तान जो है वो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है. देन प्रोसिक्यूशन एंड पेनल्टीज पाकिस्तान मस्ट इंक्रीज द प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज इन्वॉल्व्ड इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग इम्पोज स्ट्रिक्ट पेनल्टीज ऑन देम. देन बाय टेकिंग दिस स्टेप्स पाकिस्तान कैन डेमोंस्ट्रेट इट्स कमिटमेंट टू फाइटिंग फाइनेंशियल क्राइम एंड वर्क टुवर्ड्स गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रे लिस्ट. तो इसके अलावा मुकदमे हैं सजाएं हैं पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जो माली मुआवनत के अंदर मुलव्वस अफराद हैं इदारे हैं उनके खिलाफ
اقدامات یعنی کہ اقدامات کو بڑھانا چاہیے اور اس چیز کے اوپر جو سخت سزائیں ہیں وہ عائد کرنی چاہیے. تو ان تمام اقدامات کے ذریعے پاکستان جو ہے قبائلی جرائم کے خلاف اپنی جدوجہد میں عزم کا اظہار کر سکتا ہے, اپنی کوششوں کو ظاہر کر سکتا ہے اور گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے کام کر سکتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے, گیون دا ولاٹائل لاک ڈاؤن ان انڈیا آکوپائڈ کشمیر, واٹ آر دا وائبل پالیسی چوائسز اویلیبل ٹو پاکستان اینڈ واٹ کین پاکستان ریئلسٹیکلی ڈو ٹو ایز دا سفرنگ آف کشمیر پیپل. سو بھارت مقبوضہ کشمیر میں جو جاری غیر مستحکم لاک ڈاؤن ہے اس کے پیش نظر پاکستان کے کون سے قابل عمل پالیسی اختیارات موجود ہیں اور پاکستانی کشمیری عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کن حقیقت پسندانہ طور پر مطلب کہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. دین وائبل پالیسی چوائسز فار پاکستان ریگارڈنگ انڈین اوکوپائڈ کشمیر, دین ڈپلومیٹک پریشر, پاکستان کین ورک ٹو بلڈ انٹرنیشنل سپورٹ بائی ہائی لائٹنگ دا سچویشن ان انڈین اوکوپائڈ کشمیر ان گلوبل فورمز لائک دا یونائیٹڈ نیشنز. سو دس انوالوز انگیجنگ ود ادر کنٹریز ٹو گین دیئر بیکنگ اینڈ پش فار ریزولوشنز دیٹ کال فار دا پروٹیکشن آف دا کشمیری رائٹس. بھارتی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کے قبل عمل ایک اگر ہم پالیسی اختیارات دیکھیں تو سفارتی لحاظ سے پاکستان ہمیشہ دباؤ ڈالتا ہے انڈیا کے اوپر کہ کشمیریوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور کشمیریوں کو آزادی دی جائے یونائٹڈ نیشنز کے جو مطابق جو ان کا جو ان کو یعنی کہ فریڈم کا حق ہے یا ان کو ووٹنگ کرنے کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے. تو پاکستان ہمیشہ اپنے موقف کو عالمی سطح پر دہراتا ہے جس سے اقوام متحدہ کے اندر میں ان کے مقبوضہ کشمیر کے صورتحال کو پاکستان اجاگر کرتا ہے, پاکستان بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس معاملے میں اور اس کے علاوہ دیگر ممالک کے ساتھ رابطے بھی کرتا ہے تاکہ ان کی بھی حمایت حاصل کر سکے اور اپنے موقف کے ساتھ ان کو کھڑا کر سکے. تو ایسی جو قراردادیں ہیں اس طرح سے ان کو آگے بڑھایا جا سکے اور کشمیر کے حقوق کے تحفظ کا بھی پاکستان ہمیشہ مطالبہ کرتا ہے. سو ہیومن رائٹس ایڈوکیسی, پاکستان کین کنٹینیو ٹو ڈاکومنٹ اینڈ ریز اویئرنیس اباؤٹ ہیومن رائٹس ابیوزز ان کشمیر, دس انکلوڈ سپورٹنگ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اینڈ پریشرنگ انڈیا ٹو الائنس انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز انٹو دا رپورٹڈ ابیوزز. انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کس طرح کشمیر کی وکالت کرتا ہے, تو پاکستان کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دستاویزی شکل میں بھی لاتا ہے, اس کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی بھی پاکستان جو ہے کوشش کرتا ہے. تو اس میں بین الاقوامی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بھارت پر ہمیشہ یہ زور دیا جاتا ہے کہ وہ رپورٹ شدہ جو زیادتیاں ہیں کشمیری عوام کے ساتھ ان کو ان کی آزادانہ تحقیقات کی اجازت دے. سو بائی لیٹرل ڈائیلاگ, پاکستان کین سیک ٹو انگیج انڈیا ان ڈائیلاگ ٹو ایڈریس کشمیر ایشو ڈائریکٹلی, دس کین انکلوڈ پروپوزنگ پیس ٹاکس اینڈ کانفیڈینس بلڈنگ میئرز ٹو ریڈیوس ٹینشن اینڈ ورک ٹوارڈز اے پیسفل ریزولوشن. تو پاکستان جو ہے مذاکرات کرنے کے حوالے سے بھی سنجیدہ ہے, پاکستان مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, تو براہ راست اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بات چیت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. تو اس میں جس طرح سے امن مذاکرات ہیں اعتماد سازی ہے اس کو جو ہے اس کی طرح کے اقدامات کر سکتا ہے پاکستان تاکہ جو کشیدگی ہے دونوں ممالک کے درمیان اس کو کم کیا جا سکے اور اس کے یہ جو مسئلہ ہے اس کو پرامن طریقے سے بھی حل کیا جا سکے. نسپورٹ آف کشمیری ڈیسپورا, پاکستان کین اسسٹ دا کشمیری ڈیاسپورا ان ایڈوکیٹنگ فار دیئر کاز ان موبائلائزنگ سپورٹ ان ویریس انٹرنیشنل کمیونٹیز. تو کشمیری عوام کو جو ہے مشکلات ان کو کم کرنے کے لیے مین کہ پاکستان کس طرح سے ان کی سپورٹ کرتا ہے, ان کی اقدامات کس طرح سے یعنی کہ کون کی اقدامات کو اثر آتا ہے. تو اس میں انسانی امداد بھی ہے کہ مین کہ پاکستان جو ہے وہ جو کشمیری مطلب کہ ڈائسپورا ہے اس کے مقصد کی وکالت میں پاکستان مدد کرتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی جو کمیونٹیز ہیں ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھی پاکستان ان کو متحرک کر سکتا ہے. تو ریئلسٹک ایکشنز ٹو ایز دا سفرنگ آف دا کشمیری پیپل, اس میں ہیومینٹیرین ایڈ ہے, مین پاکستان کین پرووائڈ ہیومینٹیرین ایڈ اینڈ سپورٹ ٹو کشمیری پیپل تھرو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ورکنگ اٹ ان دا ریجن اور ان دا ریفیوج کیمپس. پاکستان جو غیر ملکی تنظیمیں ہیں ان کے این جی اوز ہیں ان کے ذریعے کشمیر کے لوگوں کی انسانی امداد کرتا ہے, ان کو ہر سطح پر حمایت فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ جو اس خطہ ہے یا اس خطے میں جو پناہ گزین ہیں ان کے یعنی کہ اس طرح کے کیمپوں میں بھی مطلب کہ پاکستان جو ہے ورک کرتا ہے ان این جی اوز کے ساتھ اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہر سطح پر
then educational and health support, offering scholarship and health assistance to Kashmiri students and families affected by the conflict can help improve their quality of life. اور کشمیری طلبہ جو ہے وہ جو اس تنازع سے متاثر ہیں اور متاثرہ خاندان ہیں ان کو سکالرشپ اور اس کے علاوہ صحت کی امداد بھی فراہم کی جا سکتی ہیں اور ان کے جو زندگی کا معیار ہے لائف سٹینڈرڈ ہے اس کو بہتر بنانے میں پاکستان مدد کر سکتا ہے دین انکریجنگ انٹرنیشنل ریلیف ایفرٹ پاکستان کین ورک ٹو فیسیلیٹیٹ اینڈ پروموٹ انٹرنیشنل ریلیف ایفرٹ دیٹ ایم ٹو ایڈریس دی امیڈیٹ نیڈز آف دی کشمیری پاپولیشن تو بین الاقوامی جو امداد ہے اس کے پاکستان حوصلہ افزائی کر سکتا ہے جو ایک کوششوں کے حوالے اس میں کوششوں کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے پاکستان بین الاقوامی امدادی کوششوں کو فروغ دے سکتا ہے ان کو مزید سہولیات فراہم کر سکتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ جو کشمیری آبادی ہے اس کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے سو بائی پرسیونگ دیز پالیسی چوائسز اینڈ ایکشنز پاکستان کین ورک ٹو ایڈریس دی سچویشن ان انڈیا اوکوپائیڈ کشمیر وائل پرووائڈنگ میننگفل سپورٹ ٹو دی کشمیری پیپل تو ان پالیسی اختیارات اقدامات کو اس طرح کے ان کو اپنا کر ان کو اختیار کر کے کہ پاکستان جو ہے وہ جو بھارتی مقبوضہ کشمیر کے ہے اس کی صورتحال کو حل کرنے کے لیے پاکستان اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے مؤثر طریقے سے کام کر سکتا ہے اور کشمیری عوام کو ایک میننگفل سپورٹ فراہم کر سکتا ہے سو نیکسٹ کوسچن دیکھیں گے ڈسکس دا اسٹریٹجک کنٹرولز آف انڈو یو ایس ایوالوینگ پارٹنرشپ اینڈ ہاؤ ول اٹ امپیکٹ پاکستان یو ایس اینڈ پاکستان چائنا ریلیشنز مین بھارت امریکہ کی ترقی پذیر شراکت داری کا اسٹریٹجک جو امپیکٹ ہیں ان کے اوپر تبصرہ کرنا ہے اور یہ پاکستان اور پاکستان امریکہ اور پاکستان چائنا تعلقات ہیں تو اس کے اوپر یہ کیسے اثر انداز ہوگی اسٹریٹ دی کنٹرولز آف دا انڈو یو ایس ایوالوینگ پارٹنرشپ انڈو یو ایس پارٹنرشپ ہیز بین گروئنگ اسٹرانگر ان ریسنٹ ایئرز فوکسنگ آن سیورل کی ایریاز سچ ایز ڈیفینس کوآپریشن یو ایس اینڈ انڈیا آر اسٹریٹنگ دیئر ڈیفینس دیئر جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز ٹیکنالوجی ایکسچینجز ڈیفینس اگریمنٹس دس کوآپریشن ایمز ٹو انہینس دیئر اسٹریٹجک کیپیبلٹیز اینڈ کنٹرول ریجنل تھریٹس تو اس میں جو بھارت اور امریکہ اور بھارت کی مین کے کوآپریشن ہے تو انہی سالوں میں مطلب مضبوط رہی ہے مین کے 2020-21 میں اور اس کا جو مطلب کہ اس کا جو فوکس تھا جن ایریاز کے اندر وہ ڈیفینس کوآپریشن ہے اس میں جو امریکہ ہے اور بھارت اپنے جو ان کے دفاعی تعلقات ہیں ان کو مشترکہ فوجی مشقوں کے ذریعے ٹیکنالوجی کے کا تبادلہ کر کے دفاعی معاہدوں کے ذریعے مضبوط کر رہے ہیں تو اس کے تعاون کا مقصد کیا ہے کہ جو ان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں ہیں ان کو بڑھایا جا سکے ان کے جو علاقائی خطرات ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے اس کے علاوہ ان ایریاز میں شامل تھے اکانومک اینڈ ٹریڈ ریلیشنز یو ایس اینڈ انڈیا آر بوسٹنگ دیئر اکانومک ود انکریز ٹریڈ انویسٹمنٹ اینڈ ٹیکنالوجیکل کولابریشن دے آر ورکنگ آن ٹریڈ ڈیلز انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ٹو بینیفٹ بوتھ اکانومک سو اس کے علاوہ اس کا مقصد اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط کرنا تھا امریکہ اور بھارت جو ہے اپنے اقتصادی تعلقات کو مزید بڑھا رہے ہیں اس میں تجارت کو بڑھا رہے ہیں سرمایہ کاری دونوں ممالک کر رہے ہیں اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے تو اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو یہ جو دونوں ممالک ہیں ان کے جو تجارتی معاہدے ہیں یا سرمایہ کاری ہے ان مطلب ان دونوں چیزوں کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں تاکہ جو دونوں ملکوں کی معیشت ہے اس کو جو ہے وہ اسٹیبل کیا جا سکے اور اس کو فائدہ دیا جا سکے دین اسٹریٹجک الائنس بوتھ کنٹریز آر الائننگ آن اسٹریٹجک ایشوز سچ از کنٹرینگ چائنا انفلوئنس ان دا انڈو پیسفک ریجن سو دے آر آلسو کولابریٹنگ آن گلوبل ایشوز لائک کلائمیٹ چینج اینڈ ٹیررزم تو اسٹریٹجک جو اتحاد ہے دونوں ممالک اسٹریٹجک مسائل پر بھی کوآپریشن پیدا کر رہے ہیں تاکہ جو انڈو پیسفک ہے وہ خطے میں چین کے جو انفلوئنس ہے بڑھ رہا ہے اس کو مقابلہ کیا جا سکے تو وہ جو عالمی مسائل ہیں ان کے موسمیاتی تبدیلی دہشت گردی ان مسائل کے اوپر بھی انڈیا اور جو امریکہ ہے وہ کام کر رہے ہیں دین امپیکٹ آن پاکستان یو ایس ریلیشنس تو پاکستان کے اوپر کیا مطلب کہ اس کے اثرات پڑتے ہیں انکریز ٹینشن دا کلوجر انڈو یو ایس پارٹنرشپ مائٹ لیڈ ٹو ہائٹن ٹینشن بٹوین پاکستان اینڈ یو ایس پاکستان کوڈ ویو دس گروئنگ ریلیشن شپ ایز اے چیلنج ٹو اٹس اون سیکورٹی اینڈ اسٹریٹجک انٹرسٹ پارٹیکولرلی ان ساؤتھ ایشیا پاکستان امریکہ تعلقات کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے تو انکریز ٹینشن انکریز ہو رہی ہے مین کہ بھارت امریکہ کے جو قریب شراکت داری ہے پاکستان امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافے کا
कि वे वजह बन गया। तो पाकिस्तान जो है इस ट्रेन के इन दौर मुल्क है जो तलुकात बढ़ रहे हैं उनको जनूबी एशिया में अपनी सिक्योरिटी के हवाले से अपने सेजी मफादात के लिए एक चैलेंज के तौर पर देख सकता है। देन पॉलिसी एडजस्टमेंट, यू एस माइट एडजस्ट इट्स पॉलिसीज इन द रीजन पोटेंशियली अफेक्टिंग इट्स पोर्ट एंड टू पाकिस्तान, सो दिस कुड इन्फ्लुएंस पाकिस्तान सेजी कैलकुलेशंस एंड इट्स रिलेशनशिप विद यूएस। पॉलिसियों में क्या तब्दीली आई है, अमेरिका खत्े में अपनी पॉलिसियों में तब्दीली ला सकता है जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के लिए उसकी हमायत और इमदाद को मुतासर कर सकती है। तो इससे पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक हिकमत अमली है और अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के तलुकात हैं उनके ऊपर असर पड़ सकता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान चाइना रिलेशन एंड पाकिस्तान चीन तलुकात पर असरात। स्ट्रेंथन अलायंसेस एज द यूएस एंड इंडिया ग्रो क्लोजर, पाकिस्तान may strengthen with China seeking to balance the influence of US and India. This could lead to deeper strategic and economic cooperation between Pakistan and China. तो जैसे जैसे अमरीका और भारत करीब होते जाएंगे पाकिस्तान अपने तलुकात को बैलेंस करने के लिए मतवाजन करने के लिए चीन के साथ अपने तलुकात को मजबूत कर सकता है। तो इससे पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो स्ट्रेटजिक और इसके अलावा जो इक्तसादी तावन है या कोऑपरेशन है उसको मजीद बढ़ाया जा सकता है। Then regional dynamics, the evolving Indo-US partnership might prompt Pakistan and China to collaborate more closely on regional and global issues contouring the US-India alliances and addressing a mutual concern. इसके अलावा जो regional dynamics है इनके भारत अमेरिका की जो तरक्की पजीर के हवाले से जो शराकत दारी है तो पाकिस्तान और चाइना को इस खत्ते में आलमी मसाइल पर ज़्यादा करीब मतलब के कर सकती है। तो अमेरिका और भारत मिलकर जो इतिहाद है पाकिस्तान और चाइना मिलकर इसका मुकाबला कर सकते हैं और दोनों मिलकर जो है इस हवाले से जो दोनों ममालिक के खदशात हैं उनको दूर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटजिक कंपटीशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग इंटेंसिफाइंग द इंटरेस्टिंग रोल ऑफ द यूएस चाइना इंडिया जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक खत्ते में स्ट्रेटजिक मुकाबला तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंडो पैसिफिक खत्ते की जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका, चीन, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मफादात और किरदार की वजाहत करनी है। तो इंडो पैसिफिक खत्ते के अंदर जो है इस ममालिक के मफादात हैं और किरदार है इसको देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट ट्रस्ट यूएस एम्स टू मेंटेन इट्स इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक इंश्योर फ्रीडम ऑफ द नेविगेशन निकी सी लेंस एनकाउंटर चाइना ग्रोइंग पावर। तो अमेरिका का जो मकसद है वो इंडो पैसिफिक में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना बरकरार रखना है और इसके अलावा जो अहम समंदरी रास्ते हैं उनकी आज़ादी, इसके अलावा जो जहाज हैं वो मतलब कि उनकी आमद को यकीनी बनाना और इसके साथ साथ जो चाइना की एक पावर जो है वो बढ़ रही है इस खत्ते में उसको मुकाबला करना है। सो यूएस प्रमोट्स अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड स्ट्रेंथन अलायंस विद रीजनल पार्टनर्स टू बैलेंस चाइना इन्फ्लुएंस। अमरीका खत्े में जो इसके ऊपर असूल हैं तो उनके ऊपर जो बैन अक्वामी निज़ाम है उसको फ़रोग देता है। तो इसके अलावा जो चाइना का जो इनके इन्फ्लुएंस है उसको बैलेंस करने के लिए भी शराकत दारी के साथ साथ जो इत्तेहाद है उसको भी मजबूत करने की कोशिश करता है। देन चाइना सीक्स टू एक्सपेंड इट्स इकोनॉमिक एंड मिलिट्री प्रेजेंस टुवर्ड मैरीटाइम रूट्स फॉर ट्रेड एंड एस्टैब्लिश रीजनल डोमिनेंस। और इस इंटरेस्ट और इसका रोल क्या है, चाइना इज इन्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड बिल्डिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज टू एसर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन। चीन अपने इक्तसादी और फौजी जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाता है, जातीय रास्तों की हिफाजत को यकीनी बनाने की कोशिश करता है इस खत्ते में, वो जो है एक अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाहता है। तो चीन क्या कर रहा है अपने इन्फ्लुएंस को मजबूत करने के लिए बेल्ट एंड रोड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी कर रहा है और इसके साथ साथ अपनी फौजी सलाहियतों को भी बढ़ा रहा है। तो इंडिया का इंटरेस्ट और रोल देखते हैं, इंडिया वॉन्ट्स टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेटजिक इन्फ्लुएंस and ensure security in its maritime boundaries and counterbalance China's growing power. Then role, India is strengthening its naval capabilities and building partnership with other Indo-Pacific nations, including the US, to enhance its regional presence. Bharat jo hai apne strategic influence ko badhana chahta hai, apne samandri sarhadon ki hifazat ko yakini banana chahta hai, iske alawa jo chain ki matlab ki taqat is khitte ke andar badh rahi hai usko muqabla karna chahta hai. To Bharat jo hai wo अपनी जो उसकी समंदरी लिहाज से इनके बहरी लिहाज से जो सलाहियतें हैं उनको मजबूत कर रहा है खत्ते में अपनी मौजूदगी को अपने प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। इंडो पैसिफिक के दीगर जो ममालिक हैं इनके जिनके अंदर अमरीका भी शामिल है
तो इन तमाम के साथ क्या कर रहा है, शराकत दारी कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे जापान का इंटरेस्ट और रोल। जापान एम्स टू इंश्योर रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योर सी लेंथ फॉर ट्रेड एंड काउंटरबैलेंस चाइना मिलिट्री राइज। सो रोल, जापान इज इंक्रीजिंग इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड वर्किंग क्लोजली विद यूएस एंड अदर रीजनल अलाइज टू मेंटेन अ स्टेबल बैलेंस ऑफ द पावर। तो मफादात क्या है, जापान जो है वो अपने जो इस्तेहकाम के लिए इसको अपने इस्तेहकाम को यकीनी बनाना चाहता है, इसके अलावा तजारती रास्तों की हिफाजत करना चाहता है और चाइना की जो फौजी तरक्की बढ़ रही है उसको मतवाजन करना चाहता है। तो जापान जो है अपने जो उसकी दिफाई सलाहियतें हैं उनको बढ़ा रहा है, ताकत का जो है मतलब कि तवाज़ुन बरकरार रखना चाहता है, और इसके लिए वो अमेरिका और दूसरे जो इत्तेहादी हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने की कोशिश कर रहा है और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। देन ऑस्ट्रेलिया और इसके अंतर्गत देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया सीक्स टू इंश्योर रीजनल सिक्योरिटी सपोर्ट अ स्टेबल एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। सो रोल, ऑस्ट्रेलिया इज एनहांसिंग इट्स मिलिट्री पार्टनरशिप फॉर पार्टिसिपेटिंग इन रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड कोऑपरेटिंग विद द यूएस एंड अदर अलाइज टू अपहोल्ड इंटरनेशनल रूल्स एंड स्टेबिलिटी। ऑस्ट्रेलिया जो है एक तो अपने सलामती को भी यकीनी बनाना चाहता है, एक मुस्तहकम और एक खुला इंडो पैसिफिक बरकरार रखना चाहता है, और मजबूत इक्तसादी तलुकात हैं उनको भी बरकरार रखना चाहता है। तो उसका किरदार क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपना जो शराकत दारी है मीन के फौजी के निज़ाम के अंदर तो उसको मजबूत करना कर रहा है इस वक्त, और इलाकई सलामती के जो एक फ्रेमवर्क है उसमें हिस्सा लेता है, और बैन अक्वामी जो कवानीन हैं इस्तेहकाम है उसको बरकरार रखने के लिए अमरीका और दीगर जो ममालिक हैं इतिहादी उनके साथ तामन भी कर रहा है। तो ये जो ममालिक हैं इनके एक्टिवली शेपिंग द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द इंडो पैसिफिक ग्लोब, स्ट्रेटजिक अलायंसेस, मिलिट्री इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू मैनेज रीजनल डायनेमिक्स एंड काउंटर बैलेंस ईच अदर इन्फ्लुएंस। तो ये इस स्ट्रेटजिक इतिहाद फौजी सरमायाकारी सफारती कोशिशों इन तमाम के लिए इंडो पैसिफिक जो जियोपॉलिटिक्स है उनको मजीद यानी कि एक मौसर तरीके पर फाल तौर पर तश्कील दे रहा है। सो खत्ते की जो मतलब के डायनमिक्स हैं उनको मुनज़िम करने की कोशिश हो रही है, और दूसरे के जो इन्फ्लुएंसेस है उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ ओएसी अरब लीग एंड जीसीसी इन द मिडल ईस्ट क्राइसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। मिडल ईस्ट क्राइसिस और इसके जो तनाजात हैं उसमें ओएसी अरब लीग और जीसीसी का किरदार के ऊपर बहस करनी है, उसके किरदार के बारे में बताना है, इसको डिस्कस करना है। तो रोल ऑफ ओएसी अरब लीग एंड जीसीसी इन मिडल ईस्ट क्राइसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओएसी। तो ओएसी का सबसे पहले हम रोल देख लेते हैं इसके अंदर। ओएसी एम्स टू प्रमोट इस्लामिक सॉलिडरिटी एंड एड्रेस इश्यूज अफेक्टिंग द मुस्लिम वर्ल्ड इंक्लूडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट। एंड इस एक्शन ओएसी प्रोवाइड्स डिप्लोमेटिक सपोर्ट एंड मेडिएशन एफर्ट्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्विंग मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज सच एज़ द इसराइल फलस्तीनियन कॉन्फ्लिक्ट एंड द सीरियन क्राइसिस। इट आल्सो ऑफर्स ह्यूमैनिटेरियन एड एंड एडवोकेट्स फॉर द राइट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड वाइड। तो जो ओएसी है उसका मकसद क्या है कि जो मीन के इस्लामिक सॉलिडरिटी है उसको फ़रोग दिया जाए, मुस्लिम जो दुनिया है उसको जो भी मसाइल मुतासर करते हैं उन मुतासर करने वाले जो मसाइल हैं, इसके अलावा जो मीन के मिडल क्राइसिस हैं मिडल ईस्ट के क्राइसिस, और इसके अलावा जो मतलब के एक तनाजात हैं उनको हल करना हल तलाश करने की कोशिश की है। सो ओएसी जो है मुस्लिम जो अक्सरियत ममालिक हैं उनको उन्होंने शामिल करने वाले जो तनाजात हैं मीन के इसराइल फलस्तीनी तनाज़ा, इसके अलावा शाम के बहरान में जो सफारती हमायत और इसके अलावा सालसी की कोशिशें ये फराम करते हैं। तो ये तंजीम जो है इंसानी हमदर्दी की इमदाद भी फराम करती है और दुनिया भर में मुसलमानों के हकूक के लिए आवाज़ भी उठाती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अरब लीग का रोल। अरब लीग फोकस ऑन पोलिटिकल इकोनमी एंड सोशल कोऑपरेशन अमंग अरब कंट्रीज एंड एड्रेसेस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अरब लीग जो है वो अरब ममालिक के दरमियान सियासी इक्तसादी और इसके अलावा जो सोशल कोऑपरेशन है उसके ऊपर तवज्जो रखती है, और इसके अलावा जो इलाकई उनके तनाजात हैं उनको हल करने की कोशिश करती है। और इसके अगर हम एक्शन देखें तो अरब लीग हैज बीन इन्वॉल्वड इन वेरियस मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग द सीरियन सिविल वॉर एंड लीबिया क्राइसिस। इट अटेम्प्ट्स टू मीडिएट डिस्प्यूट्स कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सेस अमंग मेंबर स्टेट एंड ऑफर पीस प्रपोजल। हाउएवर इट्स इफेक्टिवनेस कैन बी लिमिटेड बाय डिफरिंग इंटरेस्ट अमंग मेंबर स्टेट। तो अरब लीग जो है वो मतलब के मिडल ईस्ट के जो क्राइसिस हैं जैसा कि शाम के अंदर खाना जगी है या लीबिया का बहरान है उसमें हिस्सा लेता है, ये लीग तनाजात को हल करने के लिए जो रुकन इस ममालिक होते हैं उनके दरमियान
जो रिस्पॉन्सेज है उसको मजबूत करता है, और इसके अलावा जो अमन की तजावीज़ हैं वो भी ये अरब लीग पेश करती है, ताकि जो मसर मतलब के रुकन ममालिक उनके जिम्मे जो मतलब मफादात हैं उनको भी महदूद किया जा सके। देन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी कंसिस्टिंग ऑफ गल्फ अरब स्टेट एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर्स एंड एड्रेस रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न। तो जीसीसी के अंदर जो है जो अरब रियासतें शामिल हैं, तो उसका मकसद क्या है, जो ये अरब तीन हैं उनके दरमियान इक्तिसादी और सिक्योरिटी तावन को फरोग दिया जा सके। इसके अलावा जो इलाकाई सिक्योरिटी है इसके अलावा हवाले से जो खतरात खदशात हैं उनको भी बेहतर करने की, उनको हल करने की कोशिश की जाती है। तो इसके एक्शन क्या है, जीसीसी प्लेज अ की रोल इन रीजनल सिक्योरिटी पर्टिकुलरली कंसर्निंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्विंग ईरान एंड यमन, इट सपोर्ट्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक मेजर्स टू काउंटर परसीव्ड threats and often engages in diplomatic efforts to resolve crises affecting its member states. So each of these organizations has a distinct role, but often works together in parallel to address the complex involving crises in the Middle East. Their effectiveness can vary depending on the Middle East and depending on the specific conflict and the level of consensus among their members. So GCC jo hai usme alagai security mein bhi aim kidhar da karti hai, khasa kar Iran aur Yemen ke tanazat mein. तो ये जो तंजीम है वो फौजी और इकतसादी इकदाम की हिमायत करती है, ताकि जो खदशात हैं उनका मुकाबला किया जा सके। तो इसके अंदर जो रुकन ममालिक होते हैं ज़्यादातर उनको मुतासर करने के लिए, जो मतलब के वो जो बहरान होते हैं उनके क्राइसिस होते हैं उनको हल करने के लिए सफारती कोशों में फिर मसरूफ करने की कोशिश करती है। तो इससे जो हर तंजीम का मुनफरद किरदार है इनके जो मिडल ईस्ट के मतलब एक पेचीदा किस्म के और बदलते हुए जो तनाजात हैं और जो बहरान हैं उनको हल करने के लिए मिलकर जो है वो काम करती है। इसके जो यानी कि असरात हैं वो मखसूस तनाज़े और रुकन ममालिक के दरमियान जो इतफाक की सतह पर भी इनसार करते हैं कि उनके जो है इन ममालिक के दरमियान किस किस्म के तलुकात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन व्यू ऑफ द इवॉल्विंग ग्लोबल अलाइनमेंट्स एंड चेंजिंग नेचर ऑफ मेजर पावर रिलेशनशिप, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ग्लोबलिज्म and multilateralism, discuss with examples. So badalti hui aalmi jo badalti hui mein ke global alignments hai aur jo iske alawa jo badi taaqatein hain unke talukat ke uske andar jo tabdili hai usko uske tanazur mein aalam iske alawa jo aalmi yani ke ek globalism hai multilateralism hai unka relationship unka future aur uske isko humne examples ke sath jo discuss karna hai। सो फ्यूचर क्या है ग्लोबलिज्म और मल्टीलेटरलिज्म, आई एम चेंजिंग ग्लोबल अलाइनमेंट्स। तो जो बदलती हुई मीन के जो ग्लोबल ग्लोबलिज्म है जो मल्टीलेटरलिज्म है तो उसके दरमियान जो आलमी सतह पर और एक किस्म के अलाइनमेंट्स है उसका मुस्तकबिल क्या है। सो ग्लोबल रेफर्स टू द आइडिया ऑफ द इंक्रीजिंग इंटर कनेक्टेडनेस एंड कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज, वाइल multilateralism involves countries working together through international organization to address global issues. तो ये जो एक किस्म का ग्लोबलिज्म है इसका मतलब क्या है कि वो जो मुख्तलिफ ममालिक उनके दरमियान जो एक वाबस्तगी बढ़ रही है, एक तावन बढ़ रहा है। तो इसके अलावा जो मल्टीलेटरलिज्म है उसका मतलब है कि बैन अक्वामी जो तंजीमें हैं उनके जरिए मिलकर आलमी मसाइल का हल कैसे तलाश किया जाए। सो फ्यूचर ऑफ ग्लोबलिज्म ट्रेंड टुवर्ड्स regionalism means major powers shift their focus towards regional interests. Globalism may face challenges. For example, US and China are focusing on their own regional strategies like the Indo-Pacific strategy and Belt and Road initiative, which might lead to more regional rather than the global cooperation. So जो अलाकाई मतलब के रुझान है तो जिसमें बड़ी ताकतें हैं इनके अपने मफादात पर वो अपने ज़्यादा अपना तवज्जो देती हैं, तो इससे जो आलमी मसाइल हैं उनको बहुत सारे मतलब के आलमी सतह के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना हो सकता है। खासतौर पर जो अमेरिका और चाइना है तो उसकी जो हिकमत अमलियाँ हैं मीन केडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का मनसूबा है, इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चाइना का मनसूबा है, तो इनके ऊपर अपने मनसूबों के ऊपर जो है वो तवज्जो देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आलमी उनके दरमियान तावन के बजाय एक अलाकाई सतह के ऊपर मतलब फरोग देने की कोशिश की जाती है। कंटिन्यूड इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्पर्जिस चैलेंजेस ग्लोबलिज्म विल रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज दैट नो सिंगल कंट्री कैन टेक अलोन सच एज क्लाइमेट चेंज पेंडेमिक्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसके हवाले से जो तो इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद जो ग्लोबलिज्म है उसका किरदार हमेशा जो है वो बेहतर रहा है। तमाम जो आलमी मसाइल हैं उनके मीन के जैसे मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, वबाएँ हैं या बैन अक्वामी तजारत है, तो इस तरह से कोई एक मुल्क जो है वो
इन तमाम चीज़ों से आगे नहीं निपट सकता, हल नहीं कर सकता। इसके अलावा मल्टी लेटरलिज्म के क्या फ्यूचर, इसके चैलेंजेस क्या है। मल्टी लेटरलिज्म इज फेसिंग चैलेंजेस ड्यू टू राइजिंग नेशनलिज्म एंड मेजर पावर कंपटीशन। फॉर एग्जांपल यूएसए हैज बीन स्केप्टिकल अबाउट मल्टी लेटरलिज्म एग्रीमेंट्स लाइक द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्टिंग देयर इफेक्टिवनेस। तो मल्टी लेटरलिज्म जो है इसको मतलब के कौम परस्ती की वजह से या जो बड़ी ताकतें हैं उनके दरमियान एक मुकाबले जैसी कैफियत है, तो इन मसाइल की वजह से इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। खासतौर पर अगर हम जिस तरह से अमेरिका ने मल्टीलेटरलिज्म जो माहदे हैं इनके, जैसे पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड या आलमी इदारा सी एन के WHO है, उसके बारे में उसने अपने बहुत सारे अशकों को शुबहत का इजहार किया है, तो इससे जो है वो इसकी मतलब कि इसके जो इफेक्टिवनेस है उसके ऊपर इम्पेक्ट पड़ सकता है। देन अडोप्टेशन एंड रिफॉर्म टू रेलिवेंट मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस may need to adopt and reform. For instance, UN and WTO are working on reforms to better address current global challenges and improve their effectiveness. तो जो आलमी चैलेंजेस हैं इस वक्त उनको बेहतर हल उनका तलाश करने के लिए, जो उनको जो एक असरात है उसको बढ़ाने के लिए इदारों को जो है मजीद इख्तियारात दिए जाने चाहिए, इस हाथ की जरूरत इसके अंदर हो सकती है। तो खासतौर पर जैसे अकवाम मुत्तहिदा है या मतलब तजारत तंजीम WTO, तो ये अपने असलात पर काम कर रही हैं ताकि जो मौजूदा आलमी मसाइल उनको बेहतर तरीके से हल कर सकें। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज है, पेरिस एग्रीमेंट शोज ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज इवन एज कंट्रीज लाइक USA एट टाइम्स पुल्ड बैक फ्रॉम सच एग्रीमेंट्स। तो पेरिस मुआहदा जो है मीन के मौसमियाती तब्दीली पर जो उसके आलमी उसको एक आलमी तवान की एक मिसाल है, खासतौर पर कुछ जो ममालिक हैं मिनके अमरीका, तो कभी कभार ऐसे मतलब जिस तरह के ममालिक इस वजह से पीछे हट सकते हैं। देन अगर हम ट्रेड वार देखें तो यूएस एंड ट्रेड टेंशन हाईलाइट द चैलेंजेस टू ग्लोबल ट्रेड सिस्टम एंड इंटरनेशनल बॉडीज लाइक WTO कंटिन्यू टू प्ले अ रोल इन रिजॉल्विंग दिस। तो जो अमरीका और चाइना के दरमियान एक किस्म की तजारत के लिहाज से कशीदगी है, तो उसको आलमी तजारत निज़ाम को भी यानी कि ये चैलेंजेस को उजागर करती है, और जो मतलब तंजीमें आलमी तंजीमें जैसे WTO है, तो वो तनाज़ात को हल करने में भी अपना किरदार अदा करती है। सो वर्ल्ड ग्लोबलिज्म एंड मल्टीलेटरलिज्म फेस चैलेंजेस फॉर इवॉल्विंग ग्लोबल अलाइनमेंट्स एंड शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स, दे रिमेन क्रूशियल फॉर टैकलिंग ग्लोबल इशूज एंड मे इवॉल्व टू बेटर एड्रेस कंटेम्पररी नीड्स। तो ये जो ग्लोबलिज्म है और मल्टीलेटरलिज्म है, अगर इनको मतलब बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, लेकिन ये फिर भी जो आलमी मसाइल हैं ये हल करने के लिए बहुत ही अहम हैं, और ख़ासतौर पर जो इस वक्त वक्त के साथ साथ मतलब के इनके अंदर तब्दीलियां आ सकती हैं, ताकि जो मौजूदा दौर के मतलब के तकाजे हैं उनको बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके।